मच सरदार साहब। क्या कहते हैं आप उन लोगों के बारे में जो लोग लोगों को ये कहते हैं कि वैसे वैसे जो तोहफा होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, 2 रुपए का तोहफा भी बहुत जरूरी है। सरदार साहब नूं तोहफा मिलिया जी, एक इन्हां दा फैन बड़ी दूरों आया ते पैकेट दे विच पा के इन्हां नूं दे गया ते इन्हां ने खोलिया दे विच मोटरसाइकिल दी किक नाल एक पर्ची लिखी, कहिंदा भाजी अल्लाह पैसे दवे ते विच मोटरसाइकिल पवा लैणा। नहीं देखो तुसी ते जो मर्जी कहो, तुसी कॉमेडियन हो। अच्छा जो तोहफा शादी ते साडी बेटी साडी इन्हां दी बीवी साडी भैन छोटी के राणी हार पंजांगला मत्थे दा टिक्का कंधे कांटे सोने दा एक कोका बड़ा सोहना पाया, पूरे खानदान च ना हो गया कि भई सखावत नाज ने इन्ना जेवर पाता है, इन्ना जेवर पाता है, रौले पै गए। उधर बारिश शुरू हो गई, 15 मिनट बाद सारा सोना चिट्टा हो गया। अगो शर्मिंदा नहीं हो रहा, उन्हें कहना मुबारक हो वाइट गोल्ड निकल आया। भाई जो इन्हों वे गए ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे इन्हों की दादी कली नू घर का पता सी। अच्छा वो जंज लैके गई तो घर ही भुल गई, 3 पिंड पिछे ही जंज ला ली उन्हें। अच्छा जंज टुर टुर के पिनिया फुल गईयां ने, ओह अल्लाह अल्लाह करके चाची वाला घर लभा। चाची का प्यो भी पेंडू, उन्हें पता ही नहीं, बोर्ड की छावें सराने कुत्ता रख के सुता पिया। उन्हें हिलाया, चाचा उठ तेरी बच्ची का विआह सी, जंज लैके आए। उन्हें उही साफा गिला किया मूँह तो फेर के मोढ़े ते रख लिया। अच्छा कहना तुसी बैठो, मैं देगा पकाउण नू पिंड चो नाई लभ लिया। 2 घंटे ला के नाई लभ्या, उतो पिंड दा नाई ओह वी खैर दी खबर नहीं। अच्छा साल च इक देग पकाउणी। अच्छा उन्हें पुछया राजा की बनया, खराब हो गई। और 8 देगां विच इक बोटी। अच्छा ओह चो कढ के ओह चो कढ के ओह चो कढ। मैं कहा चाचा ये की? कहिंदा पुत्तर सारिआं चो ज़ायका आएगा। एक बोटी ते बरादरी च गल्लां हो रहीआं सी, सहुरा दा कहिंदा भी जवाई भाई नूं बोटी पा के देनी, ध्यान रखना। रोटी वंडन दा टाइम आया ते देग भुल गए, बोटी किच सुट्टी। अखीर इन्हां नूं बोटी पा के दित्ती, इन्हां ने प्लेट फड़ी टाली थले रखी, इधरों कुत्ता आया बोटी लै गया। इन्हां दा विआह होइआ ना जी, ओह कई जण अभी चार चार कट्ठे हो, चार चार कट्ठे बोले समझे रोटी खोले, कहना रोटी लेट है ताश खेल लो। हमारी आज की मेहमान देखें, कामयाबी मिल जाती है, नाम भी बन जाता है, पैसा भी आ जाता है, इन सब चीजों में ना ये जितनी भी चीजें जिनका मैंने नाम लिए, ये ज़्यादातर आपके साथ किसी का नसीब जुड़ता है, एक टैलेंटेड इंसान किसी दूसरे टैलेंटेड टीम के साथ जुड़ता है तो बात बन जाती है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो आप खुद ही कर सकते हैं, वो किसी और के हाथ नहीं, अगर कोई डिसेंट हो तो डिसेंसी आपकी अपनी। अ वंडरफुल ह्यूमन, वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस, जिस भी ड्रामे में होती हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में होती हैं, अपनी छाप सबसे ऊपर छोड़कर जाती हैं। कम कम काम करती हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत से हिट ड्रामों का हिस्सा रहीं, बहुत से हिट ड्रामे इनके आने वाले हैं। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर। आपकी बहुत सारी तालियों में, जोरदार तालियों में, किंजा रज़ा। वेलकम किंजा। थैंक यू सो मच। मैं शो में देखती थी कि आप इतने कमाल लफ्ज़ों में लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वेलकम करते हैं, और आज मैंने फील कर लिया तो इंसान आते ही इमोशनल हो जाता है। थैंक यू सो मच। अरे अरे आपके सबसे पहले तो ये कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जो कि आप हमेशा लगती हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये कि वेलकम टू मुज़ाकरात एंड प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू।
दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन की तरफ से वेलकम टू दुनिया। केंद्रा जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। बड़े अरसे से इंतज़ार था आपका। आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। अपने होंठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। तो मैं अपने होंठों पर सजाना, गड्डी का तू डंडर नहीं कढ़ा सकया अज तक। अपने होंठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, और आखिरी हिचकी तेरे हाथों पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ।